हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो TMS में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग होल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? जितना भी नेचुरल नंबर है, अगर हम उसमें ज़ीरो को ऐड कर दें तो वही कलेक्शन हमारा होल नंबर कहलाएगा। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन पहले से है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर उसी में हम लोग ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमारा कलेक्शन हो जाएगा होल नंबर्स का। अगर हम होल नंबर का डिफिनेशन लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एलॉन्ग with zero form the collection of whole numbers। यानी जितना भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम सिर्फ ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो वो कलेक्शन हमारा होल नंबर्स का हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अगर हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जान लेते हैं। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। ओके, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स में पहला प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा सम जो होगा वो भी होल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 2 + 3 = 5। 2 और 3 दोनों होल नंबर है, हमारा सम 5, ये भी होल नंबर है। 0 + 2, 0 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, दोनों को ऐड किए, हमारा सम होल नंबर। उसके बाद अगर हम लोग किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, उसका प्रोडक्ट होल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 × 3 = 6। 2 और 3 होल नंबर है और इसका प्रोडक्ट 6, ये भी होल नंबर है। 0 × 5, 0 होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को घटाते हैं एक दूसरे से, यानी डिफरेंस उसका फाइंड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डिफरेंस होगा वो होल ही होगा। हमारा डिफरेंस होल नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखते हैं, 3 - 1 = 2, ये दोनों तो होल है, इसका डिफरेंस 2 होल आया। लेकिन हम ये देखते हैं, 3 - 7 = -4, 3 और 7 तो होल नंबर है लेकिन इसका डिफरेंस -4, जो कि होल नंबर नहीं है। उसके बाद अगर हम किसी भी दो होल नंबर को, है ना, एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उसका जो कोशेंट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो होल होगा। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, 4 / 2 = 2,
यहाँ 4 को 2 से डिवाइड किया, हमारा क्वेश्चन 2 आया जो कि एक होल नंबर है। 4 और 2 भी होल नंबर, इसका क्वेश्चन भी होल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 बाई 2 जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इस चारों एग्जांपल से हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो होल नंबर क्लोज्ड होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं होगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी को कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, उस दो नंबर को जोड़ना है, तो हम किसी भी ऑर्डर में अगर जोड़ेंगे तो उसका जो सम होगा इक्वल आएगा होल नंबर्स में। जैसे 5 + 2 = 7 और 2 + 5 = 7, 2 और 5 होल नंबर्स था हमारे पास, इसको हम किसी भी ऑर्डर में जोड़े तो हमारा जो सम था वो 7 आया। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, किसी भी ऑर्डर में अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल आएगा। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10। देखिए दोनों ही सिचुएशन में हमारा प्रोडक्ट इक्वल आया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम किसी भी दो होल नंबर का डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, 5 - 2 = 3, 2 - 5 = -3। आप देख रहे हैं कि 5 में से 2 को हम घटाए हैं तो हमारा डिफरेंस 3 है, और 2 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो डिफरेंस -3 आएगा, जो कि दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दो होल नंबर है, दोनों को हम डिवाइड करना चाहते हैं एक दूसरे से, और किसी भी ऑर्डर में अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारा जो कोसेंट होगा वो हमेशा इक्वल नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 6 / 2 = 6/2 = 3, 2 / 6 = 2/6 = 1/3। आपके सामने है एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा कोसेंट है वो अलग अलग है। चारों एग्जांपल को देख के हम ये समझ सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी दो से अधिक होल नंबर को, दो से ज़्यादा होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होगा। देख लेते हैं एग्जांपल, 1 + 2 + 3, 1 + 2 = 3 और + 3 = 6, 1 + 2 + 3, 1 और 2 + 3 को ऐड करेंगे 5 = 6। आप देख रहे हैं हम तीनों होल नंबर को अलग अलग ऑर्डर में ऐड किए हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो सम है इक्वल है। इसका मतलब है कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि तीन होल नंबर है हमारे पास और उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। देखते हैं एग्जांपल, 2 × 5 × 6 = 2 × 5 = 10, 10 × 6 = 60, उसके बाद 2 × 5 × 6 = 30, 2 × 30 = 60। आप देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में हमारा प्रोडक्ट सेम है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास तीन होल नंबर हैं और तीनों का डिफरेंस पता करना है, 5 − 2 − 1 = 1, 5 − 1 = 4, 5 − 2 − 1 = 5 − 2 − 1 = 3 − 1, 3 − 2 = 3 − 1 = 2। अब आप देख सकते हैं दोनों ही सिचुएशन में अगर अलग अलग ऑर्डर में हम डिफरेंस फाइंड किए हैं तो हमारा डिफरेंस जो है सो अनइक्वल आया है, अलग अलग आया है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है होल नंबर्स में। एक और एग्जांपल, मान लीजिए तीन होल नंबर हमारे पास है और उसका कोशेंट फाइंड करना है, उसको डिवाइड करना है, तो दोनों ही सिचुएशन में अगर हम किसी भी ऑर्डर में उसका कोशेंट फाइंड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट होगा इक्वल नहीं आएगा। जैसे 15 / 3 / 5, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग 5 आएगा और फिर 5 को 5 से डिवाइड करना है 1। अब इसको दूसरे ऑर्डर में करते हैं, 15 / 3 / 5 = 15 × 5 = 15 × 5 = 3 × 5 = 25 अगर हम पहले सिचुएशन में हमारा जो कोशेंट था वो 1 आया और दूसरे में 25, तो अलग अलग कोशेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि डिवीज़न भी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि होल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये आप लोग कॉपी कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ
होल नंबर्स। अगर हम किसी भी होल नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमारा जो सम होगा वही होल नंबर होगा। यानी ए में अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा सम ए आएगा, मतलब फाइव में अगर ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारा सम फाइव आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स कहते हैं, और ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स कहा जाता है। मतलब ज़ीरो इज़ कॉल्ड the additive identity for whole numbers, whole numbers। next property देख लेते हैं, multiplicative आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। अगर हम किसी भी होल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट वही होल नंबर होता है। जैसे ए को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ए आएगा, फाइव को वन से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फाइव आएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, आप लोग इसको कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अगर हम किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा हमेशा ज़ीरो आएगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल फाइव इंटू ज़ीरो प्रोडक्ट ज़ीरो, नाइन इंटू ज़ीरो प्रोडक्ट ज़ीरो। यानी किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, अगर हम किसी भी दो बड़े होल नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आसानी के साथ उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए 19 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो 101 से, तो क्या करेंगे हम लोग। अगर इसको 101 इंटू 19 अगर इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करें तो ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 101 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19 इंटू 100 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 1 101, 19 इंटू 100 और प्लस 19 इंटू 1, 19 इंटू 100 1900 और 19 इंटू 1 19, यानी 1919। इस तरह से हम लोग आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन को।
और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के नाम से जानते हैं। इसको कॉपी करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर किसी बड़े होल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो उसको आसानी से कैसे फाइंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए हमको 17 को मल्टीप्लाई करना हो 98 से, ठीक है। अगर हम फिर से इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालें, प्रोडक्ट फाइंड करें, तो ज़्यादा वक्त लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, 17 × 98 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100 − 2 करके, 100 − 2 98। अब हम लोग 17 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर −17 × 2 17 × 100 −17 × 2 = 34। फिर इस दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे 1666। इतना जल्दी और आसानी से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं।